नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में हूँ राकेश। गर्मी में नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में हूँ राकेश। गर्मी का सीजन आने लगा है। आपको बता चले कि बांका प्रखंड क्षेत्र में विभिन्न भागों में गर्मी की शुरुआत भी हो चुकी है और जल संकट गहराने लगा है। प्रखंड के उत्तरी कोजी पंचायत के खजुरी और राता पंचायत के खरवा गांव में जल संकट खड़ा हो गया है। जानकारी के मुताबिक उत्तरी कोजी पंचायत के वार्ड संख्या 7 में नल जल योजना का लाभ नहीं मिला है। ग्रामीणों की माने तो उक्त वार्ड को वार्ड 9 स्थित जल नल योजना से जोड़ दिया गया। वहीं वार्ड 9 की हर घर नल का जल पहुंचाने वाले योजना का काम भी अधूरा है। नल से जल पहुंचने में अभी विलंब है। उक्त वार्ड के करीब 70 से 80 परिवार निवास करते हैं। कोरोना संकट को देखते हुए बाहर रहकर जीवन यापन करने वाले सभी ग्रामीण घर में ही है। टोले में मात्र 2 चापा नल है जहाँ सभी अपना काम चलाते थे। जल अभी से ही चापा नल से काफी कम आने लगा है। ग्रामीण परेशान है। खजुरी के नंदलाल राय, विमल राय, अरविंद राय और जो भी गांव के लोग हैं उन्होंने ये बताया कि मात्र 2 सरकारी चापानल है जिससे ग्रामीणों का लाभ और उनसे काम चल रहा है, लेकिन एक चापानल के खराब होने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही राता पंचायत के खड़ोवा गांव में आनंदी यादव के घर के पास विगत 15 वर्षों से चापानल खराब है। वही दुर्गा स्थान के पास भी चापाकल खराब है। ग्रामीणों ने उक्त बंद पड़े चापानल ठीक करने की मांग की है। वही ग्रामीणों की माने तो दोनों चापानलों से करीब 30 परिवारों के जल संकट दूर हो जाएंगे। और उत्तरी कोजी के मुखिया प्रतिनिधि पंकज यादव ने बताया कि पंचायत क्षेत्र के सभी बंद पड़े चापा नलों की सूची संबंधित विभाग को सौंपा जा चुका है, निश्चित तौर पर समस्या का समाधान होगा। अच्छा, ये अब चापाकल कितना दिन से खराब है? ये चापाकल करीब 2 साल से खराब है। अच्छा, इसको चापाकल PhD डिपार्ट से आया कई बार चेक करने के लिए, जैसे पड़ोचक का सीताराम था उनको भी कहा गया, बोला कि हाँ हो जाएगा। कई बार आदमी आया और देख के चला गया। हम लोग पानी के लिए बहुत दिन से तरसते हैं और एक चापाकल जो कारो रना घर के पास है वो भी 3 महीनों से खराब पड़ा हुआ है। और हम लोग पानी दूसरे कल से लाते हैं, उसमें भी बकझक होता है दूसरे आदमी से, कितना देगा रोज लाने के लिए पानी। कितना का आबादी है हम लोग इस जगह? अपना 25-30 घर हम अपना निजी है। अच्छा, और उसमें हम लोगों को सरकारी चापाकल 2 भाई, 2 में से दोनों खराब है। मुखिया आपका? मुखिया जी भी कहता है, उठा देता है, मुखिया जी भी नहीं सुनते हैं, बोलता है ये तो डिपार्टमेंटल का काम है, हम इसमें क्या करेंगे। ठीक है। जल संकट गहराने लगा है, बांका की खबर हमने आपको दिखाई। बहरहाल लॉकडाउन की स्थिति ऐसे में वाकई में अगर आगे भी लॉकडाउन रहता है तो जल संकट वाकई में लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। समस्या का समाधान इसी में होगा कि वहां से जुड़े जो भी अधिकारी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, तुरंत वहां की समस्या का मुआयना करें और जल संकट के जो भी वहां पर समस्या है दूर करते हुए वहां पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। फिलहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।